रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक से हमीरपुर के साई अस्पताल डुग्गा में कामयाबी मिली है। टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक IVF टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से छत्तीसगढ़ की युवती ने एक बच्ची को जन्म दिया है और जन्म के बाद बच्ची और माता दोनों ही कुशल हैं। इस तरह बड़े शहरों की तरह अब हमीरपुर के डुग्गा साई अस्पताल में इस नई तकनीक से हुए बच्चे के जन्म पर पूरे स्टाफ में खुशी का माहौल है। टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक से हमीरपुर के साई अस्पताल डुग्गा में कामयाबी मिली है। टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक IVF टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से छत्तीसगढ़ की युवती ने एक बच्ची को जन्म दिया है और जन्म के बाद बच्ची और माता दोनों ही कुशल हैं। इस तरह बड़े शहरों की तरह अब हमीरपुर के डुग्गा साई अस्पताल में इस नई तकनीक से हुए बच्चे के जन्म पर पूरे स्टाफ में खुशी का माहौल है। अस्पताल चिकित्सालय डॉक्टर अनंदिता और अभिषेक ठाकुर ने भी IVF टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक से बच्चे के जन्म पर खुशी जाहिर की है। बता दें कि पूरे हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर के साई अस्पताल डुग्गा में IVF टेस्ट ट्यूब बेबी में पहली बार ही सफलता हासिल कर ली। साई अस्पताल के डॉक्टर अभिषेक और अनंदिता ने इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि IVF टेस्ट ट्यूब बेबी सक्सेस होने से पूरे हॉस्पिटल में खुशी का माहौल बना हुआ है। डुग्गा के साई हॉस्पिटल में IVF टेस्ट ट्यूब बेबी में छत्तीसगढ़ की महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया है। डॉक्टर आनंदिता ने बताया कि डुग्गा अस्पताल में ही नई तकनीक से बच्चे का जन्म करवाया है और अब बच्चों के चाहवानों को बड़े शहर में जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि घर द्वार पर ही डुग्गा साई अस्पताल में IVF टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म पूरी टीम के सहयोग से सफल हो चुका है। उन्होंने बताया कि हर महीने में 8 से 10 मरीज टेस्ट ट्यूब बेबी के आ रहे हैं। That also IVF ICSI baby and it is the first one in Hamirpur. और हम लोग खुश इसलिए हैं बहुत ज़्यादा because ये जो patient हमारे पास था they were the first ones to walk into our IVF unit. क्योंकि आप IVF unit एक start करते हैं ये एक बड़ा major decision होता है. It is not a simple procedure, it is a team work. और कोई patient आप में इतना faith दिखाता है तो वो चीज़ बहुत हमारे लिए एक बहुत एक इंस्पिरेशन था कि हमें अपना पूरा शिद्दत से काम करना है कि हम इनको सक्सेसफुल रिजल्ट दे पाएँ। सो वी स्टार्टेड अवर IVF यूनिट इन अक्टूबर एंड दे वर द फर्स्ट वंस। वी हैड 2 पेशेंट्स एंड दे वर द फर्स्ट वन इन आर बैच। तो एक तो हम इन पेशेंट्स का बहुत वी आर रियली थैंकफुल टू देम दैट दे शोड बिलीव इन अस। और हमने इनका IVF ICSI किया एंड इन फर्स्ट बैच ओनली दे कंसीव्ड, शी कंसीव्ड इन नवम्बर। तो अभी इसका डिलीवरी डेट थी तो शी इज़ ब्लेस्ड विद अ बेबी डॉटर। उसका वेट अच्छा है, शी इज़ 2.48 ऑलमोस्ट 2.5 kg बेबी गर्ल है। तो वी आर ऑल वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म दैट वी हैव अ IVF सेंटर विच इज़ गिविंग अ गुड रिजल्ट एट पार विद अदर IVF सेंटर्स इन द कंट्री। और जो सुविधा पहले यहाँ पे नहीं थी वो सुविधा हम लोग यहाँ के लोगों के लिए डोर स्टेप्स पे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है बड़े सिटीज़ में। तो इस चीज़ के लिए हम लोग भगवान से भी बहुत थैंकफुल हैं कि हम लोग ये क्रिएट कर पाए यहाँ, बिकॉज इट इज़ अ टीम वर्क। अकेले आदमी ये नहीं कर सकता है। अभी हमारे पास एवरी मंथ वी हैव अ बैच और हर बैच में हमारे पास लगभग 8 to 10 पेशेंट्स हमारे पास हो जाते हैं। और ऑन गोइंग अभी हमारे पास हर बैच में लगभग 30-40% रिजल्ट है और प्रेगनेंसीज चल रही हैं। नहीं, ये हमीरपुर हमारे पास बहुत दूर दराज से भी, मंडी से बहुत सारा पेशेंट है हमारे पास, पालमपुर, कांगड़ा और यहाँ तक कि चंडीगढ़ से भी पेशेंट हमारे पास जिनका घर यहाँ पर है, पेरेंट होम यहाँ है, ऊना साइड से भी पेशेंट है हमारे पास। सारे एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स के हैं, ज़्यादातर लोग हमीरपुर से हैं लेकिन बाहर के पेशेंट्स बहुत सारे हैं। हिज वाइफ इज़ ऑल्सो, शी इज़ MSc केमिस्ट्री। शी इज़ दे आर एजुकेटेड कपल हु अंडरस्टैंड दैट what is the process, what they have to go through in IVF. educated patient रहता है तो समझाना थोड़ा आसान होता है। नहीं, जो टेस्ट ट्यूब बेबी है वो एक आम लैंग्वेज में जिसको बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी आम लैंग्वेज है कि जिसे हम समझ सकते हैं कि टेस्ट ट्यूब में एक बेबी बन रहा है, पर ऐसा नहीं होता है। उसकी प्रक्रिया कुछ इस तरीके की रहती है कि अगर माँ जो है वो अपने
अंडे देने के काबिल है, जो कि 35 साल से नीचे ज़्यादातर होता है। अगर उसकी उम्र ज़्यादा है तो कई बार वो अंडे नहीं उसके बन पाते हैं, तो उन पेशेंट्स में हम अंडे एग डोनर के रूप में भी ले सकते हैं। और जिनके अंडे अपने आप बनते हैं उन महिलाओं में हम इंजेक्शंस के द्वारा अंडे बनाते हैं। वो अंडे एक सिंपल सा शॉर्ट जीए में छोटा सा एनेस्थीसिया दे के डे केयर में उसको उन अंडों को निकाल लिया जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबीज को इसलिए बोला जाता है कि वो अंडे एक टेस्ट ट्यूब में निकाले जाते हैं, फिर उसको फर्टिलाइज कराने के लिए हम लोग इनक्यूबेटर में छोड़ते हैं लगभग 3 दिन के लिए। ये प्रक्रिया 3 दिन से 5 दिन तक चलती है, जिसको डे 3 बोलते हैं। तो डे 3 ट्रांसफ़र अगर हम करते हैं तो वो डे 3 एम्ब्रियो होता है। लेकिन चूंकि फर्टिलाइजेशन माँ की ट्यूब में नहीं होकर बाहर इंक्यूबेटर में हो रही है, इसलिए वो आम भाषा में उसको टेस्ट ट्यूब बोला जाता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो मतलब कि आपके पेट के अंदर ना, इन वीवो मतलब होता है जो आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है, इन विट्रो मतलब कि जो मीडिया में या कहीं शरीर से बाहर जो फर्टिलाइजेशन हो रही है उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नहीं, ऑलरेडी हिमाचल में हमसे पहले 2 सेंटर्स काम कर रहे हैं, पर IVF इक्सी बेबी ये फर्स्ट है और हमीरपुर का ये फर्स्ट बेबी है। इक्सी होते हैं एक और विकसित प्रणाली होती है जिसमें इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन होता है। इसमें पेशेंट्स कई ऑप्ट करते हैं कि हम इक्सी करवाना चाहते हैं, जैसे पहले प्रीवियस IVF फेलियर्स हैं या जिनको ऐसा है कि हमारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा आए, तो उन पेशेंट्स में एक एक अंडे के अंदर हम स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं। वो मशीन एक बड़ी कीमती मशीन होती है और उसको चलाने वाला डॉक्टर भी स्पेशलिस्ट होता है। वो एक जूनियर एम्ब्रियोलॉजिस्ट का काम नहीं होता, वो एक सीनियर एम्ब्रियोलॉजिस्ट ही कर सकता है। तो वो जो तकनीक है वो हमारे हॉस्पिटल में या हिमाचल में भी वो अभी तक कहीं पे इक्सी मशीन नहीं है। तो ये इक्सी इज इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये IVF में एक थोड़ा सा और एक बेटर फैसिलिटी है जो आप पेशेंट को रिजल्ट इम्प्रूव करने के लिए दे सकते हैं, या कोई और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, पर मेनली हम इसको वही इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे इसकी ज़रूरत हो, कि प्रीवियस IVF फेलियर हो गया या मेल फैक्टर है जहाँ स्पर्म्स कम है, या कोई और हमें ऐसा लग रहा है कि फीमेल्स में एग बहुत कम है, जैसे 4 या 5 एग्स निकलते हैं, जहाँ हमें लगता है कि अगर हम नेचुरल फर्टिलाइजेशन के लिए छोड़ेंगे तो एम्ब्रियोज हमें इतने नहीं मिलेंगे, तो उन केसेस में हम पेशेंट को इक्सी के लिए ऑप्शन देते हैं। कई बार पेशेंट हमसे खुद से इक्सी डिमांड करता है, जो पेशेंट पढ़ा लिखा होता है या सर्च करके आता है वो भी इक्सी डिमांड करते हैं, अफोर्डेबिलिटी पे है। लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि जिनमें आप रिपीटेड IVF ट्राई कर सकते हैं। कईयों में ऐसा होता है कि बच्चेदानी बहुत अच्छी तैयार नहीं हुई, आपने एक बार रखा, आपको लगता है कि नहीं भ्रूण नहीं अच्छे से ग्रो कर पाया, तो आप सेकेंड टाइम फिर ऑप्शन। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर 3 IVF फेलियर्स हो जाएँ तो फिर उन्हें बड़े सेंटर्स पर जहाँ प्री जेनेटिक डायग्नोसिस या PGD वगैरह जो यहाँ पर या इंडिया में भी बहुत कम सेंटर्स पे, उनको उन सेंटर्स पे जाना चाहिए। पर जैसे जो नॉर्मल केसेस हैं 3 IVF फेलियर्स के बाद जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, जैसे इनके केस में हमें पता था थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि लाइनिंग बहुत अच्छी प्रिपेयर नहीं हो रही थी, तो वी वर सेटिस्फाइड विद द पेशेंट एंड बोथ हस्बैंड एंड वाइफ रिपोर्ट्स वर नॉर्मल अकॉर्डिंग टू अस, सो वी प्रोसीडेड विद दैट 6th IVF। साइड इफ़ेक्ट्स ऐसा है, इसमें इंजेक्शंस जो लगाए जाते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन उन साइड इफ़ेक्ट्स को हम बहुत ध्यान से मॉनिटर करना होता है कि पेशेंट को कोई नुकसान ना हो। अगर वो मॉनिटरिंग ठीक चल रही है, अगर पेशेंट उसमें कंफर्टेबल है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अफोर्डेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे जगह तो लोग शायद 3 या 4 के बाद मे बी दे गो फॉर अडॉप्शन, अगर उनको लगता है कि भाई ये हमारे बस में नहीं है, लेकिन इनका वैसा नहीं था केस, इनमें बहुत थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो वो सॉल्व करने में शायद हम लोग सक्षम हो पाए। लेकिन अदरवाइज 3 या 4 IVF फेलियर के बाद पेशेंट खुद भी हार मान लेता है। लॉन्ग टर्म नहीं है, कोई ओवेरियन कैंसर नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, कॉस्ट में फ़र्क है, कॉस्ट 15,000 के करीब। 3 IVF फेलियर के बाद पेशेंट छोड़ता है, कॉस्ट और इमोशनल डिस्टर्बेंस। पेशेंट जो बार बार जो आदमी इस प्रक्रिया के थ्रू, क्योंकि ये इजी नहीं है आपको, एज भी एक रीज़न है, बिकॉज ज़्यादातर लोग जो IVF शुरू करते हैं ना, वो बाकी ट्रीटमेंट लेते लेते ऑलरेडी लेट हो रहे होते हैं, तो कई बार ऑलरेडी उनका 35-40 पहुँच रहा होता है, तो फिर एक एज के बाद तो करवाना का रिजल्ट वैसे ही इतना कम हो जाता है कि वो सोचते हैं कि आप रहने ही देते।
एज भी एक फैक्टर है क्योंकि ऑलरेडी वो लोग लेट होते हैं। क्या कॉस्ट पड़ती है डॉक्टर साहब इसकी? इसका 1 लाख से शुरू हो जाता है, बट देन 1.5-1.7 लाख डिपेंडिंग की क्या क्या रिक्वायरमेंट है पेशेंट, मतलब 1-2 लाख के बीच। हाँ, हाँ यहाँ पे, और अगर आप बड़े सेंटर्स में कराएंगे तो वहाँ 3-3.5 तक भी। और इक्सी वाला वो लगभग 10-15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लग जाए, ज़्यादा कोई कॉस्ट नहीं है। पर वो ऐसी चीज़ है कि मतलब अगर उसकी इंडिकेशन है तो वो करना ही चाहिए, तो वो हर जगह होता नहीं है, तो इस वजह से भी फिर कई बार रिजल्ट अच्छे नहीं आते। और ये जो सर फेलियर होता है, कब डिटेक्ट होता है? आफ्टर 9 मंथ्स या पहले ही होता है? जैसे ही पेशेंट को हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, आपको 14 डेज़ के बाद एक टेस्ट होता है सीरम बीटा एचसीजी, उससे पता लग जाता है कि प्रेगनेंसी नॉर्मल है या नहीं है। तो मैक्सिमम हम लोग 1 वीक और वेट करते हैं अगर थोड़ा बॉर्डर लाइन हो, अदरवाइज पता लग जाता है विद इन 1 मंथ डायग्नोज। जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी टेस्ट का हमें पता लग जाता है मेंसेस मिस हुए, उतना ही टाइम पे इसका भी पता लग जाता है। तो ये पेशेंट एजुकेटेड क्लास था, शी वॉज वेरी मच अवेयर कि मेरी अंदर की लाइनिंग थिन रहती है, तो वी वर एक्स्ट्रा केयरफुल इनके मैटर में कि इनकी लाइनिंग हम अच्छे से ग्रो करें। उसके लिए इंजेक्शन आते हैं आजकल बहुत अच्छे, तो वो इंट्रायूट्राइन इंजेक्शन इनको इंस्टिल किए गए, उसका भी रोल रहा। और डेस्टिनी एक चीज़ है, मे बी भगवान भी एक, मुझे लगता है कि वो चीज़ भी इसमें है। नेक्स्ट हमारी एक अभी नेक्स्ट वीक ड्यू है डेट, अभी नेक्स्ट वीक हम लोग करेंगे, बाकी जो है वो 6th मंथ 7th मंथ ऐसे रनिंग है अभी। नहीं, ये हमारे, हमने अक्टूबर में अपना IVF सेंटर स्टार्ट किया है, एंड दे वर द फर्स्ट वंस टू वॉक, जो हमारा फर्स्ट बैच बना था उस बैच में ये थे। हमने बेंगलोर में 2 IVF कराए थे लेकिन सक्सेस नहीं हुआ था, मुंबई में 3 कराए थे तो भी सक्सेस नहीं हुआ था, हम बहुत डिप्रेस हो चुके थे। लेकिन जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे फर्स्ट IVF हमने ट्राई किया, यहाँ का फर्स्ट था, लेकिन इतने अच्छे से सब चीज़ हुआ कि हमारे लिए बहुत लकी था। शुरू से लेकर लास्ट तक डॉक्टर ने बहुत हेल्प की, कोई जल्दबाजी नहीं की IVF करने में। पहले उन्होंने देखा कि क्या प्रॉब्लम है, पहले उसको ट्रीट किया, उसके बाद IVF प्रोसीजर स्टार्ट किया, मेंटली भी बहुत सपोर्ट दिया, और मेडिटेशन, जो मेडिकेशन होते हैं उस पर ही डिपेंड नहीं रहे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मेडिटेशन भी करना है, योगा करना है, और किस तरह से IVF प्रोसेस को आगे लेके जाना है, ये सब उन्होंने बताया, और इस तरह से सक्सेस हो गया, हम बहुत खुश हैं। हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट बहुत ही फ्रेंडली था, डॉक्टर्स बहुत ही सपोर्टिव थे, एक एक स्टेप उन्होंने इतने अच्छे से लिया और आगे बढ़ते गए हम, बहुत ही अच्छा लगा। और स्टाफ जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, एक फैमिली की तरह लगा। और जैसे IVF में एक होता है मिसकंसेप्शन कि दर्द बहुत होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ पता नहीं चला, बस हंसते हंसते सब चीज़ हो गया, और आज मेरे हाथ में मेरी बेबी है। थैंक यू। कार्यक्रम में वक्त चला छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।